बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय सोशल मीडिया चैनल MRM न्यूज़। दोस्तों, बहुत सारे भाई पाकिस्तान से और दुबई या अदर कंट्री से भी कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता किया जा रहा है कि रईस भाई, हम तुर्की जाना चाह रहे हैं। तुर्की में बहुत सारे भाई तो डेंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लीगल तरीके से जाएँ। लीगल तरीके से जाने के दो वे हैं। आप अगर विजिट वीज़े पे जाएं तो वो भी ठीक है, अगर आप कंपनी के वीज़े पे जाएं वर्क वीज़े पे तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि जैसा तुर्की में अब हालात चल रहे हैं, तुर्की में बहुत ज़्यादा जो अनलीगल लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब कोई भी अनलीगल बंदा वहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे कैंप में नहीं रखा जाता या वहाँ पे उनको स्टे नहीं दिया जाता। इसलिए जो है ना, आप वर्क वीज़े पे जाएं वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विजिट वीज़े पे आप जाते हैं, वहाँ पर जाके आपको जो किमलिक है, जो वहाँ का रेड कार्ड है, वो बनवाने में बहुत खर्चा आ जाता है, अदरवाइज़ वो बनते ही नहीं, आप आसानी से बन ही नहीं रहा। अगर आप बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो वर्क वीज़े से ज़्यादा उस पर खर्चा आ रहा है। तो मेरी एडवाइस यही होगी आपको कि आप वर्क परमिट पे जाएं। वर्क परमिट अब पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ट्रेवल एजेंसी हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में एजेंट बैठे हुए हैं जो लीगल तरीके से आपको वर्क परमिट दे के भेजते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस पर खर्चा जो है ना वो अच्छा खासा आ रहा है, मगर आप लीगल तरीके से जाएं और वर्क परमिट पे जाएं। अगर आप विज़िट पे जाते भी हैं तो वहाँ पे जाके आपको विज़िट पे एक तो जो किमलिक है, कार्ड है वहाँ का, वो खुद बनवाना पड़ता है, और दूसरे नंबर पे आपको वहाँ जॉब ढूंढनी पड़ती है। अगर आप जाते हैं वर्क परमिट पे तो आपको कंपनी एयरपोर्ट से रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद आपको डायरेक्ट काम पे लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे दोस्त हैं जो तुर्की गए हैं, वर्क परमिट पे गए हैं, और वर्क परमिट पे जाके कोई चिकन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई वहाँ पे दाना बनाने, जो प्लास्टिक का दाना बनता है वो दाना बनाने की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कुछ होटल्स में काम कर रहे हैं, और कुछ जो स्पेयर पार्ट्स बनते हैं गाड़ियों के वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये वीज़े तो जनरल हेल्पर के होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, सैलरी भी ठीक, पाकिस्तान का तकरीबन ढाई लाख, पौने तीन लाख, सवा दो लाख, 2 लाख से ऊपर ही आप कमा पाते हैं वहाँ पे कंपनी के वीज़े पे, और कंपनी आपको हर तरह की सहूलियात भी मुहैया करती हैं वहाँ पे। लेबर लॉ के मुताबिक आपकी रहायश, खाना, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ कंपनी आपको फ्राहम करती है। तो यार, आपको क्या ज़रूरत है कि आप विज़िट वीज़े पे जाएं। विज़िट वीज़ा लगवाने के लिए आपको पाकिस्तान में रिस्क पे ही विज़िट वीज़ा लगता है। अगर आप किसी के साथ एजेंट के साथ डन बेस पे बात करते हैं ना कि हम डन बेस पे विज़िट वीज़ा लेके चले जाएं, तो वो विज़िट वीज़ा डन बेस पे बहुत ही मुश्किल है। अगर आप खुद से फाइल बना के अनातोलिया ऑफिस में सबमिट करते हैं तो वो भी आपकी फ़ीस ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 90% चांस आपकी फ़ीस ज़ाया होने के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप फिर वहाँ पे जाते हैं, जाके आप किमलिक अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आप एक वकील हायर करते हैं, अपने रहायश का अपने एग्रीमेंट बनवाना होता है, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप रेडी करवा के तो वहाँ पे किमलिक अप्लाई करते हैं, जिसको आप रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं नॉर्मली। तो आपको यही चाहिए कि आप वहाँ पे जाएं, वर्क परमिट पे जाएं, वर्क परमिट पे जाके आप नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट करें। जो भाई वहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं तुर्की से, वो वर्क परमिट पे जाने के बाद भी जा सकते हैं, तो बेहतर यही है कि आप वर्क परमिट जो है वही चूज़ करें, विजिट वीज़ा भी रहने दें, और डंकी का रास्ता तो बिल्कुल ही आप यूज़ ना करें, क्योंकि डंकी के रास्ते बिल्कुल बंद किए हुए हैं। ईरान से, यहाँ से लोग ईरान तो चले जाते हैं, लेकिन ईरान से आगे जाना जो है ना वो तकरीबन अब इम्पॉसिबल हो चुका है, और आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप ख़तरा मोल लें। बेहतर है वर्क परमिट जो है आप उस पर फोकस करें, वर्क परमिट लें, बहुत आसानी से मिल रहे हैं। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में एजेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी ऑथेंटिक बंदे के पास जाएँ, लोकल बंदे के पास नहीं जाएँ।
तो अगर आप हमसे रابطہ करते हैं तो हम भी आपको किसी ऑथेंटिक बंदे का कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे रابطہ करके आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हमारे बिहाव पे उनको पेमेंट कर दें या आप उनके साथ जो भी मामला तय करें। हमारा इसमें किसी किस्म का कोई जो है ना वो परसेंटेज या कुछ भी नहीं होगा। आप डायरेक्ट उनसे जो भी बात करेंगे आप उसकी चीज़ के जिम्मेदार खुद होंगे। आप उनके साथ एग्रीमेंट करें या कुछ भी करें, पैसों का लेन देन करें, वो भी आपने अपनी जिम्मेदारी पे ही करना होगा। तो अगर जिन भाइयों को दुबई, सऊदीया, यूरोप, तुर्की या किसी भी कंट्री की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप MRM न्यूज़ के पेज पे या आप सोशल मीडिया चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई भी करेगी और आपको मुकम्मल गाइडेंस भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे। तो इसी के साथ जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपका भाई मियां इस महर, अल्लाह हाफिज़।